तत्काल अपनी रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी। पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था, हमारी टीम ट्रेस कर रही थी उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ लिया। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, ट्रेस हुई बाघ की लोकेशन, खेतों में लगाए गए कैमरों में कैद हुई बाघ की तस्वीर, घरथनिया गांव के पास मिली बाघ की लोकेशन। लखीमपुर खीरी के धरथनिया गांव में पिंजरा लगाने की तैयारी, तो वन विभाग ने इमिलिया गांव से हटाया एक पिंजरा, वन विभाग की टीमें लगातार चला रही है बाघ का सर्च ऑपरेशन। यूपी के सीतापुर में बाघ की दहशत, वन विभाग की टीम पहुंची प्यारेपुर गांव, गांव में मिले बाघ के पैरों के निशान। सीतापुर में गांव वालों के लिए बाघ बना मुसीबत, तो दहशत में जी रहे हैं लोग, वहीं खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं किसान। यूपी के हापुड़ में गांव में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत, हाथों में लाठी डंडे के साथ खेत में तेंदुए को पकड़ने के लिए पहुंचे लोग। पक्षियों को ट्रेस करके हमने वो अवगत करा दिया अधिकारियों को। अब जैसे भी किस चीज के हैं, किस जानवर के पंजे हैं, जो भी सूचना आएगी उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में 20 दिन पहले का वीडियो आया सामने, रिहायशी इलाके में घूमता दिखा भेड़िया, तो वहीं अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट, इलाके की ड्रोन से की जा रही निगरानी, चप्पे चप्पे पर पूरी नजर। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी, वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया। यूपी के बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक, कई गांवों में देखा गया भेड़िया, गांव वालों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने किया हमला, तो वहीं बच्ची को बचाने के लिए जानवर से भिड़ा शख्स तो हुआ घायल। भेड़िए का शिकार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी, बच्चे और बुजुर्ग पर भेड़िए ने किया था हमला, लोगों ने बताई आदमखोर के हमले की आपबीती। आदमखोर के बारे में बहराइच के वन विभाग सीओ अभिषेक सिंह ने दी जानकारी, कहा 2 भेड़ियों को किया गया है ट्रेस, आजकल में आदमखोरों को लिया जाएगा पकड़। यूपी के कानपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में टेम्पो ड्राइवर की लापरवाही, बच्ची पर चढ़ाया टेम्पो, तो वहीं घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। बेंगलुरु में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक के नीचे आया बाइक सवार, हादसे का सीसीटीवी सामने आया। एमपी के सागर में दबंगों ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, तो वहीं कर्मचारियों के साथ भी की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। यूपी के मुरादाबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी जोड़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की जिद पर अड़ा था प्रेमी। और यूपी के बुलंदशहर में घर के बाहर बैठे युवक को दबंगों ने पीटा, तो वहीं पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के एटा में बैंक में पैसे जमा करने आए युवक को जालसाजों ने निशाना बनाया, 44,500 रुपए लेकर फरार हुए जालसाज, रुपए लेते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। गुजरात के अहमदाबाद में बाढ़ के बीच डिलीवरी बॉय का वीडियो हुआ वायरल, वही घुटनों तक पानी में खाना डिलीवर करने के लिए गया था। हैदराबाद में जमकर हुई बारिश, लगातार बारिश की वजह से सागर झील का पड़ा जलस्तर, अभी कुछ दिन और बारिश होने की उम्मीद। असम के गुवाहाटी में बारिश से हाल बेहाल, सड़कें बनी तालाब, तो वहीं पानी के बीच रास्ता पार करते दिखे लोग। असम में बारिश की मार, लोगों के घरों में और दुकानों में पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तो वहीं उफान पर डैम प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के सूरत में टला बाढ़ का खतरा, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन, जींद में राम कुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक बीजेपी में हुए शामिल, वहीं सीएम नायब सैनी ने पार्टी में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को सही बताया और कहा हिंदुओं को एकजुट होना होगा। योगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के, जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गरीब का शोषण करती है कांग्रेस, तो सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करती है।
खानदानी पार्टी, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, ये लोग खानदानी पार्टी जो कश्मीर का शोषण किया गरीबों का। और इसी बीच एक्स पर अपनी फोटो चेंज की, त्रिशूल के साथ लगाई अपनी फोटो गिरिराज सिंह ने। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के एयर स्टाफ के उप प्रमुख का संभाला पदभार, तो वहीं नई नियुक्ति ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। चंपई सोरेन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा चंपई जी को टाइगर की उपाधि मैंने नहीं बल्कि झारखंड की जनता ने दी है। टाइगर की उपाधि मैंने नहीं, झारखंड के टाइगर की उपाधि उन्हें झारखंड की जनता ने दी। शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार पर भी साधा निशाना, कहा ममता के मन में ममता पैदा नहीं हुई, मामले को दबाने की कोशिश हो रही। रुक होता है, ममता बनर्जी महिला एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ पूरा देश हिल गया, लेकिन ममता के मन में ममता पैदा नहीं। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए नए राष्ट्रीय प्रवक्ता। केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। आरएसएस बीजेपी के बीच मतभेद खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर। पलक्कड़ समन्वय बैठक में खत्म हुई दूरी, लोकसभा चुनाव के दौरान दिखी थी दोनों संगठनों के बीच दूरी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश अभियान, दिल्ली की झुग्गी और बस्तियों में जाकर बीजेपी गिना रही आप सरकार की नाकामी। जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूँ, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं। दिल्ली में जन आक्रोश अभियान में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी हुई शामिल, तो वहीं आप सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। 20,000 लीटर, आप ये देखिए, फ्री पानी का सपना झूठा था। फ्री पानी तो छोड़िए, साफ पानी भी दिल्ली को नसीब नहीं हो रहा। दिल्ली को फ्री पानी नहीं, साफ पानी तो दे दीजिए कम से कम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आ जाने की उम्मीद, रविंदर रैना की उम्मीदवारी की भी घोषणा की जाएगी। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा, तो मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा युवाओं की जान लेने में लगे हैं सीएम सोरेन। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना लिखा, क्या ये पश्चिम बंगाल है या मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है, इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा में मतदान की तारीख बदली, अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे। कोलकाता मामले में पुलिस की जांच तेज, एएसआई अनूप दत्ता से सीबीआई की पूछताछ, तो वहीं संजय रॉय का दोस्त है अरूप दत्त। कोलकाता हत्याकांड में सीबीआई का एक्शन तेज, सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को जारी किया नोटिस, कॉलेज में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर जारी किया नोटिस। वेस्ट बंगाल के मध्यम ग्राम में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद नाराज लोगों ने आरोपियों के रिश्तेदारों की दुकानों में की तोड़फोड़, तो वहीं पुलिस से की इंसाफ की मांग। बंगाल के आसनसोल में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, 72 साल के बुजुर्ग पर छेड़छाड़ का आरोप, आदिवासी समुदाय के लोगों का गुस्सा फूटा, जमकर विरोध किया। बंगाल में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर आक्रोश, तो वहीं लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने टीएमसी नेता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बंगाल के बीरभूम में ड्यूटी के दौरान नर्स से छेड़छाड़, बीमार युवक पर लगा आरोप, आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में 11वीं के छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट, तो वहीं सुसाइड लेटर में स्कूल टीचर का जिक्र, पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारी की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में हादसा, 12 साल के बच्चे के साथ हाथ में फटा मोबाइल, तो वहीं चोटिल हुआ बच्चा, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
पठानकोट में 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला, फिरौती में मांगे 2 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची हिंदू लड़की, मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल। केंद्रीय रेल मंत्री ने नवनिर्मित वंदे भारत स्लीपर कोच का निरीक्षण किया। रेलवे जल्द ही स्लीपर ट्रेन के ट्रायल रन की शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, तो वहीं तस्करी गैंग के मास्टरमाइंड और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए। लूट की चेन पुलिस ने बरामद की। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में टीचर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली कामयाबी, 5 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। 80,000 रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। रूस में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद थर्मल पावर प्लांट में लगी आग, आग की भयानक तस्वीरें सामने आई। रूस ने बिजली संयंत्र पर कथित तौर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की रिपोर्ट दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई किलोमीटर तक हुआ था हमला। अमेरिका के ओरेगॉन में घर से टकराकर विमान दुर्घटनाग्रस्त, तो वहीं हादसे की वजह से इलाके में गुल हुई बिजली, फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं। मॉस्को में रूस सरकार की इमारत में आग लगी, सूचना के बाद बड़ी संख्या में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब अगली खबर आपको न्यूजीलैंड से बताते हैं, जहां पर वेलिंगटन में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंजन में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग जोर से कूदकर सवारियों ने अपनी जान बचाई। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस कदर इमरजेंसी डोर से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर मुसाफिर जो है वो बाल बाल बचे, प्लेन में आग लगने की जान